नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ये मेरा शॉर्टहैंड का 8वां चैप्टर का, ये शॉर्टहैंड पिट्समैन का चैप्टर नंबर 8 का वीडियो है, स्ट्रोक एस एंड जेड। तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अपने सर्किल में जिन्हें शॉर्टहैंड पढ़ने की ज़रूरत है, जिन्हें शॉर्टहैंड पढ़ना है, तो प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 27 है, 27 अगस्त। बहुत दिनों से मैं शॉर्टहैंड का वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मुझे अपने बेटे को भी ध्यान देना पड़ता है, बेटे पर, और मुझे अपनी भी पढ़ाई करनी रहती है। एस एंड जेड के बारे में हमें जानना है। इससे पहले वाले चैप्टर में सर्किल के बारे में जाने थे, सर्किल एस और जेड के बारे में। तो ये देखिए, ये दोस्तों इसका सर्किल हो गया, और स्ट्रोक तो इसे ही बोलते हैं, एस और जेड। तो हमें ये देखना है कि ये और ये जो स्ट्रोक इसे बोलते हैं, तो एस और जेड का स्ट्रोक कहाँ कहाँ लगेगा, बस हमें इस चैप्टर में यही जानना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। पहला रो, अगर एस के ठीक पहले कोई वॉवेल अगर आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर एस के पहले ठीक पहले कोई वॉवेल अगर आता है तो इसका स्ट्रोक लगेगा। ओके, और इसके ठीक पहले और इसके ठीक बाद भी अगर आ रहा है वॉवेल, और उसके बाद कोई वर्ड नहीं है, तो भी इसका स्ट्रोक लगेगा। जैसे हम लिखते हैं एस एस, तो इस तरह से ए पहले आ रहा है, ए स, तो ए जो है ए का उच्चारण है ये सेकंड प्लेस पर, ठीक है। उसी तरह हो गया से, जैसे हो गया उस, ठीक है, जू। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे ऐसा कोई वर्ड जिसके बाद एस का शुरुआत हो रहा है, मतलब ऐसा कोई वर्ड जो एस से शुरुआत है और ठीक उसके बाद इसका वॉवेल अगर आ रहा है, और उसके बाद भी अगर कोई वर्ड है, तो वहाँ एस का सर्किल लग जाएगा। जैसे सैप, तो इसको अगर हिंदी में तोड़ेंगे हम लोग सैप, तो स तो हो गया, ये प हो जाएगा, लेकिन ये जो वॉवेल है यहाँ पे, इसी कारण से हम लोग इसका सर्किल दिए हैं। ओके, ये हो गया, फिर हो गया, अब जैसे लिखेंगे आस्क, तो पहले वॉवेल आ गया, तो यहाँ स्ट्रोक हो गया इसका, ठीक है। अब जैसे लिखना है सैक, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे, ओके, इस तरह से लिखेंगे सैक, ठीक है दोस्तों। ये समझने की बात है, और बाकी तो आप बुक अगर है तो आप ध्यान से बुक में देख लीजिए कैसे कैसे क्या है।
अब जैसे किसी वर्ड में इसके पहले और बाद में भी वॉवेल आ रहा हो और शुरुआत किसी और वर्ड लेटर से हो रहा है, जैसे बिजी, अगर सबसे लास्ट में आ रहा है और उसके बाद कोई भी नहीं है उस वर्ड में, जैसे बीज, तो इसका सर्किल लग जाएगा। देखिए दोस्तों, सेकंड देख लीजिए, ऐसा वर्ड जिसमें प्रेफिक्स के बाद इसका यूज हो रहा है या प्रीफिक्स में भी लगा हुआ है तो वहाँ भी स्ट्रोक ही होगा इसका, जैसे असल्ड, तो ये लाइन के ऊपर होगा, अ है असल्ड, ये डी हो गया असल्ड, अनअसल्ड, ये एस का जो ये है ए, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों वर्ड बनाना होगा, वर्ड बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। सौ बेंच, अब ये देखिए सौ तो हो गया, ये बेंच, बेंच पूरा हो जाएगा ट्राइफोन्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे डिप्थोंग होते हैं, जैसे आई, आउ, काउ, ओ डब्लू, ओ आई, बुआए, मतलब बुआए मीन्स, तो ये तो यही हो जाएगा यूज। तो इस तरह का जो साइन होता है इसमें जो अलग से एक और स्ट्रोक स्ट्रेट लाइन उसी डायरेक्शन में निकालते हैं, इसे ही बोलते हैं ट्राइफोन। तो अब देखिए दोस्तों, अब जैसे हम लोगों को लिखना है साइंस, ठीक है, साइंस, साई, यहाँ पे एक और आ गया, ठीक है, तो यही चीज देखना है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों, ऐसा कोई भी वर्ड जहाँ एस के तुरंत बाद वॉवेल आते हैं या एस और जेड का यूज होता है, जैसे सीज, तो ये देखो ये सी है लेकिन उच्चारण स से ही हो रहा है, एस से, ठीक है, तो सीज, इसका हम लोग सर्कल कर दिए और ये जो है तो यहाँ इसलिए स्ट्रोक लग गया। अब जैसे नेक्स्ट है सॉसर, लाइन के ऊपर होगा, औकार है सॉसर, तो अगर आप लोगों ने इसके भोवेल के चैप्टर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा, इससे पहले के प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ये हो गया,
सिलेबल का वर्ड जो है, ठीक है, ओ यू एस जिस वर्ड में लगा रहेगा उसके तुरंत पहले अगर डिप्थोंग का यूज हुआ है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, जैसे सिनस, ठीक है, तो इसमें देखिए एस, तो ये तो पहले सर्किल हो जाएगा, एन एस पूरा हो जाएगा, ठीक है, और जैसे टॉर्चस, सॉरी दोस्तों, ये यू है, ओ यू एस, ओ यू एस टॉर्चस, तो लाइन के ऊपर होगा टॉ, ओकार है टॉर दोस्तों, हम लोगों को ध्यान में रखना है कहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज आता है दोस्तों, ये देखिए एक्सरसाइज 27 है, उसी तरह पहले पढ़ लेना है क्या लिखा हुआ है, उसके बाद इसी को देख के कॉपी करके इसी के रूप में लिखना है, शॉर्टहैंड में ही लिखना है कॉपी पे, उसके बाद इसको ट्रांसक्राइब करना है, उसी तरह इसको एक्सरसाइज 28 को शॉर्टहैंड में लिखना है, आस साइड शॉर्टहैंड में लिखना है। उसके बाद हमारा आता है ग्रामोलोगस, ग्रामोलोगस में तो कुछ नहीं है दोस्तों, ग्रामोलोगस तो याद करने की चीज़ है, स्पेशल स्पेशली स्पीक, लाइन के नीचे हो गया सब्जेक्ट सब्जेक्टेड, सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड दोनों यही है दोस्तों, और आपको इंग्लिश पे इतनी पकड़ होनी चाहिए कि कहाँ पे ईडी लगेगा या कहाँ पे नहीं लगेगा, ये तो आपको ध्यान में रखना होगा। सेवरल लाइन पे रहेगा सेवरल, उसके बाद फिर वही दोस्तों 29 एक्सरसाइज है, उसके बाद 30 है, ये दोनों तो आपको बनाना है खुद ही, पहले पढ़ना है, जैसे ये लिखा हुआ है आई एम assuming, तो इस तरह से पढ़ना है, उसके बाद इसी को देख करके कॉपी में लिखना है I am, तो लिखना है I am assuming, ठीक है, उस तरह से लिखना है, उसके बाद इसको फिर देख करके ट्रांसक्राइब करना है, मतलब इसको इंग्लिश में लिखना है, इससे आपके इंग्लिश के वर्ड पे पकड़ भी बनेंगे। फिर एक्सरसाइज 30, तो ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, ये इसका समरी है कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो ये सब तो हो गया दोस्तों, अब ये नेक्स्ट चैप्टर में ये आएगा एक्सरसाइज चैप्टर 9, तो 9 तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तब तक के लिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल ये वीडियो रहा हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।